विरोध में और केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस लेने के लिए अपनी आवाज बुलंद करके पूरे देश भर में जो नौजवानों पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हुआ है, इसके विरुद्ध में आज ये आंदोलन यहाँ किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक, आजी माजी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, प्रदेश के निरीक्षक सचिव आनंद सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने आज से 4 साल पहले ही पंत प्रधान जी को ये लेटर लिख के बताया था कि आर्म फोर्सेस में 1 लाख की भर्ती बाकी पड़ी हुई है, उस भर्ती को आपने रोक दिया है, उस भर्ती को आप भरिए। राहुल गांधी जी ने अपने कई कार्यक्रमों में भी इस बात को कहा कि नौजवान को आप आग लगा रहे हो, नौजवान पे आप केरोसिन छिड़क रहे हो, उसका मतलब ये था कि नौजवानों की रोजगार को आप छीन रहे हो। प्रियंका गांधी जी ने भी आर्म फोर्सेस के अंदर की वैकेंसीज को लेकर के और केंद्र सरकार के वैकेंसीज को लेकर के केंद्र सरकार को कहा। केसी वेणुगोपाल जी जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि इस पे चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाए कि ये आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह से वैकेंसीज को तुरंत भरा जाए। आज दुनिया अपनी आर्म फोर्सेस की ताकतें बढ़ा रही है। हम आपके सामने, आपके हमारे सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं। आप और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका अपनी आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, ईरान आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, चाइना आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं तो आर्म फोर्सेस कम कर रहे हैं, उसकी भर्ती बंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया ये बोल करके कि उग्रवाद कम होगा, टेररिस्ट कम होगा। आप देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद भी वहां पे रोज टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और रोज लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश के फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं। नोटबंदी कम करने से उग्रवाद कम होगा, नोटबंदी बंद करने से तमाम दूसरी सारी चीजें कम होगी, देश में शांतता रहेगी, काला धन कम रहेगा। आरबीआई ने कहा कि 2000 की नोट, आप गूगल करके देख लीजिए, आरबीआई ने कहा कि 50% 2000 की नोट आज इस देश में है वो डुप्लीकेट है, नई नोट बनाई गई। 2000 की नोट बनाते वक्त कहा गया उसमें चिप लगेगा, उसमें फला चीज लगेगी और उससे नोट पता लगेगा। 10 दिन पहले आरबीआई ने ऑफिशियली कहा है कि इस देश के अंदर जो नोट है 2000 की, उसमें 50% नोट डुप्लीकेट है। तो नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ, आपने आर्म फोर्सेस के अंदर की भर्तियां बंद कर दी। वहां पे चाइना 60 किलोमीटर अंदर घुस गया, वहां पे चाइना के साथ लड़ते वक्त हमारे जवान देश के शहीद हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर पंत प्रधान चुप्पी साधे हुए हैं। मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस के मंत्री रहे, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे, उन्होंने किताब लिखी है, पढ़ने लायक है, 2010-2020। अब पूरा चाइनीज बॉर्डर का क्या मसला है और किस तरह से एलओसी के अंदर चाइना अंदर आया है और किस तरह से हमने अपने हथियार डाल दिए हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस की कमी है हमारे पास, ये उस किताब में लिखा है। मतलब इन्होंने आर्म फोर्सेस कम करने से कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा, आर्म फोर्सेस कम कर देने से चाइना इस देश के अंदर घुस रहा है, देश की हालत श्रीलंका के जैसी बनी हुई है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस की कीमतें आज वो सारे नेता भाजपा के मंत्रिमंडल में है जो आदरणीय पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां दिया करते थे।
आज वो सोने की और हीरो की चूड़ियां पहन करके मंत्रिमंडल में बैठे हैं, मगर उनकी आवाज आज गैस का भाव बढ़ गया तो नहीं निकलती, पेट्रोल का दर बढ़ गया तो नहीं निकलती, डीजल का दर बढ़ गया तो नहीं निकलती। आरबीआई का 10 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व फंड देश में रखा गया था उसे वापर लिया गया है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। हर चुनाव में चाहे वो राज्यों के चुनाव हो कि केंद्र के चुनाव हो, हर एक के अकाउंट में 5,000 10,000 30,000 40,000 रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत ऑफिशियल ब्राइब लोगों के अकाउंट में दे दिया जाता है और लोग बड़े खुशी से कहते हैं अरे मोदी जी का पैसा अकाउंट में आ गया है। ये सारा पैसा कौन सा है? तो ये जो आरबीआई में 10 लाख करोड़ इस देश की संपत्ति जो जमी हुई थी वो पैसे निकाल करके चुनाव के वक्त आपके अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में दिए जा रहे हैं। और वही किसान जब एमएसपी के लिए मांग करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप हमको दीजिए और 1.25 साल तक के आंदोलन करता है, तो इस केंद्र सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। 750 किसान वहां अपने प्राण गंवा देते हैं मगर पंत प्रधान के मुंह से एक कॉन्डोलेंस का शब्द पार्लियामेंट में नहीं निकलता है। ये इस देश का हाल है, ये इस सरकार का हाल है। हर राज्यों में सरकारें तोड़ना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, सरकारें गिराना, गोवा में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा और आज महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं। आज ही अभी महाराष्ट्र टाइम्स में पढ़ रहा था तो उसमें एक शिवसेना का आमदार जो वापस आया, जिसे कहा गया कि हम तुझे 50 करोड़ रुपया देंगे, आपको हमारे फुटीर गट में आना है। आनंद सिंह जी यहां से भी जो विधायक अपक्ष चुन के गए वो भी सेना के समर्थन में थे, वो भी उसी चक्कर में 50 के चक्कर में 50 के साथ गए हुए। तो पैसा, धन संपत्ति एयर इंडिया 60,000 करोड़ में बेच दिया, बेल जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया, पावर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज पंडित जी ने खड़ी की आज ये एक एक करके ये सारे अडानी, अंबानी और इन मित्रों को बेचते जा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये सारी कंपनियां लॉस में है और इसीलिए इसे बेच करके हम सरकार चला रहे हैं। 70 साल में बोले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 60,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया बेचा कैसे आपने? 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज आप भेल को 1,000 करोड़ में बेचने को कहां से आए हैं? पावर प्लांट 1,000 करोड़ के बेचने के लिए कहां से आए हैं? आपने कोल के अंदर घोटाला हुआ, यूपीए 2 ने कोल में घोटाला हुआ ऐसा आरोप लगाया और आपकी सरकार बनने के बाद आपके माध्यम से जुडिशरी ने भी कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोल में घोटाला नहीं हुआ, ऑयल में घोटाला नहीं हुआ, 2G स्कैम में घोटाला नहीं हुआ, 3G स्कैम में घोटाला नहीं हुआ, मगर आरोप सब आपने लगाए थे और आपके लगाए हुए आरोप आपकी सरकार के आने के बाद आप खुद कहते हैं कि इसमें घोटाले नहीं हुए। आज भी सेना के जो भी आमदार गए हुए हैं, किसी पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है, किसी पे इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है और जो वहां जाता है वो गंगा नहा के वापस आता है, उसके सारे आरोप पत्र जो है वो 0/0 हो जाते हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है? सत्ता का दुरुपयोग करने की एक मर्यादा, एक सीमा है। ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, केंद्र के पास में ओबीसी का डेटा अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस डेटा को देना इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर सारे स्थानिक स्वराज्य संस्थान के चुनाव रुके हुए हैं बगैर ओबीसी के रिजर्वेशन के। मध्य प्रदेश में इन्होंने आरक्षण करवा दिया मगर महाराष्ट्र में जहां भी गैर भाजपीय सरकार है वहां पर ये आरक्षण निकाल देना चाहते हैं। ये सिर्फ ओबीसी का आरक्षण निकालना नहीं चाहते, ये एससी एसटी का भी आरक्षण निकाल देना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं करना चाहते, 2024 का इंतजार कीजिए, ये महाराष्ट्र को 3 टुकड़े में बांटने वाले हैं।
मैं पिछले दो साल से आप लोगों को कहते आया हूं, ये रिजीम है, ये डिक्टेटरशिप है, और जहां जहां दुनिया में डिक्टेटरशिप होती है वहां पे मीडिया एक तरफ हो जाता है, भक्त लोग एक तरफ हो जाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, और उसके बाद में वो देश जो है विनाश की तरफ चला जाता है। आप देखिएगा, ये मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना देंगे और महाराष्ट्र को विदर्भ को अलग कर देंगे और महाराष्ट्र के तीन टुकड़े कर देंगे। इनको मराठी भाषा बोलने वालों से नफरत है, इनको मराठी वाद से नफरत है, ये इस देश की अखंडता को, एकता को नष्ट कर रहे हैं। और जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, जितने वाद हो सकते हैं उतने वादों का ये प्रचार करते हैं मीडिया के माध्यम से और हर माध्यम से, और लोग उस बहाव में बह जाते हैं, धर्म के नाम पे बह जाते हैं, मजहब के नाम पे लोग बह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि इस देश की घटना डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, जिसमें सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म का क्या माने हुआ, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सर्वधर्म समभाव होता है कि ना कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान सर्वधर्म समभाव होता है। इस देश की घटना ने हर एक को अपना धर्म मजहब पालने का अधिकार दिया, मगर इनको कॉमन सिविल कोड लाना है, आरएसएस का जो एजेंडा है वो इनको इस देश में लाना है, और ये लाने के लिए इनको चाहे जो करना पड़े, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वापस 2024 में लानी है। तो कहीं पे ये आग लगा रहे हैं, कहीं सरकार तोड़ रहे हैं और लोगों का ध्यान बटवा रहे हैं, मगर जो सब में बड़ा गलत काम आज इन्होंने किया है वो इस देश की सिक्योरिटी के साथ खेलने का किया है। हिटलर ने भी एक एसएस नाम की फोर्स बनाई थी, नाजीज के अंदर उनको इंक्लूड किया था, और फिर उसका इस्तेमाल यहूदियों को, ज्यूइश लोगों को मारने के लिए किया था। दो साल में 80 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था हिटलर ने। वही काम ये करने जा रहे हैं कि नौजवानों को 4 साल ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो जो नौजवान 4 साल के बाद बाहर निकलेगा और उसे रोजगार नहीं होगा, जो पूरा ट्रेंड होगा हथियार किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है, यह पुलिस फोर्स खड़ी है। इनको जब फोर्स में आना होता है तो 2 साल 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके ये फोर्स में भर्ती होते हैं। उस तरह के नौजवान हजारों लाखों की तादाद में देश में निकलेंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा, ये 10% उनको समाविष्ट करेंगे, और बाकी के लोग क्या करेंगे, वो हाथ में हथियार उठा सकते हैं। इस देश के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है, विद्रोह हो सकता है, नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस का रूप धारण कर सकता है, खून खराबा हो सकता है। जातिवाद, धर्मवाद आज ये फैला रहे हैं, उसके अंदर ये आग में तेल डालने का काम करने जा रहे हैं, और इसीलिए हम सब मिलकर के पूरे देश के नौजवानों की आवाज बनकर के केंद्र सरकार से ये विनंती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस अग्निपथ को आपने है जो वापस लेना है, ये कायदे को वापस लेकर के इस देश को जो आप तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं उससे आपको बचाना है, उससे आपको रोकना है। समझ जाइए, आज भी समझने का वक्त है। सिर्फ सत्ता के माध्यम और सिर्फ सत्ता के ऊपर बैठ करके ही देश नहीं चलाया जाता, देश को चलाने के लिए विपक्ष की भावनाओं को साथ में लेना पड़ती है। कांग्रेस की सरकार थी और यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। यह सरकार पंत प्रधान ना कभी पार्लियामेंट में रहते हैं, ना कभी किसी विपक्ष के साथ में बात करने के लिए तैयार होते हैं। आज राष्ट्रपति का चुनाव का अर्जा दाखिल किया जा रहा है, यूपीए के सारे अलायंस की तरफ से यशवंत सिन्हा जी का नाम वहां पर आज फॉर्म भरा जा रहा है, मगर केंद्र सरकार, पंत प्रधान जी ने कभी ये मुनासिब नहीं समझा कि हम विपक्ष के साथ भी चर्चा करके सर्वसम्मति से इस देश का जो प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्रपति होगा, वो सर्वसम्मति से हम वहां पर चुन करके लाए, तो ये भी वो करने को तैयार नहीं है। आज इस राज्य की सरकार तोड़ने के लिए शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी को सर्वनाष्ट करने के लिए, खत्म कर देने के लिए, उनका सिंबल छीन लेने के लिए, उनके आमदार छीन लेने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। सूरत, बड़ौदा, गुवाहाटी,
यहां पर जो भी आप तमाशा देख रहे हैं ये सारा बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये सारा बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। राज्य की सरकार है, कल तक के गवर्नर साहब कोविड में थे, वरना गवर्नर साहब को सभापति का जो असेंबली का सभापति है उसके बिल पे साइन करने के लिए वक्त नहीं था, मगर कल अस्पताल से आने के बाद जो आमदार भगोड़े हो गए हैं उनको सुरक्षा देने के लिए डीजी डायरेक्टर जनरल को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखने के लिए एक सेकंड लगा, केंद्र सरकार को उनको एसआरपीएफ और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देने को एक घंटा लगा। मतलब ये राज्य के अंदर राज्य की सरकार चल रही है कि केंद्र की सरकार इस राज्य को चला रही है, ये सारा आपके सामने स्पष्ट होता है। कल वेकेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वेकेशन में रविवार को अर्जी देती है और आज 10:30 बजे हियरिंग लगती है, और स्पीकर का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने से पेंडिंग है तो वो बोर्ड पे नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की घटना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस देश की सारी ऑटोनोमस बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीबीआई, आईबी, रॉ, ईडी, ये सारी इंस्टीट्यूट्स का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस देश की घटना को तबाह और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, और उसमें आग में तेल डालने का काम ये अग्निपथ का काम करने का ये केंद्र सरकार ने करी है। इसका विरोध करने के लिए आज और हम यहाँ सब में हाजिर हुए हैं। मैं प्रमोद सावंत को अपना समारोपीय भाषण करने के लिए कहूंगा और उसके बाद निवेदन देने के लिए शांतिपूर्वक हम तहसीलदार कार्यालय में जाएंगे, पुलिस जितने लोगों को छोड़ेगी उतने ही जाएंगे, बाकी के आप सब लोग यहाँ खड़े रहकर अपना भाषण चालू रख सकते हैं।